झांसी के मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र में रात्रि के समय पति ने पत्नी की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्यवाही शुरू कर दी है। जब रात लगभग 1:30 बजे घर के दरवाजे खोलकर अभियु भागा तो पिता ने बाहर जाने का कारण पूछा, लेकिन वह दौड़ लगाते हुए भागकर थाने पहुंचा और सारी घटना की जानकारी दी। इधर पिता ने अभियु को भागते ही अपने छोटे लड़के को आवाज़ देकर जगाया और जब अभियु के कमरे में गया तो वहां रोशन को रक्त रंजित अवस्था में देखकर दंग रह गया और फिर सारे मोहल्ले को जानकारी दी। मोहल्ले वाले एवं परिवार वालों ने भी बताया कि अभियु बहुत ही सीधा एवं समाज की कार्यों में आगे बढ़ चढ़ कर भागीदारी करता था, लेकिन लगभग एक सप्ताह से वो बहुत ही टेंशन में था, पूछने पर भी कुछ नहीं बताता था। पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं अभियुग ने ऐसा क्यों किया सभी आश्चर्य में हैं। वहीं बताया गया कि कुछ दिन पहले श्री अभियुग को शक था कि उसकी पत्नी का संबंध किसी व्यक्ति से है, जिसके चलते वह मानसिक परेशान रहता था और इस घटना को अंजाम दे बैठा। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पति सहित अन्य लोगों की हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। घटना ये हुई कि रात को ऊपर से भाई हमारे दौड़ते हुए आए नीचे और उन्हें फाटक खोले एकदम से, तो हमारे जो पापा जी हैं उन्हें देखा कि कहाँ भाग रहे हैं ये, फाटक खोले उन्होंने, उसके बाद उनको पकड़ा, वो भाग गए छूट के और छूटने के बाद पापा ने हमें आवाज़ लगाई तो उन्होंने कहा देखो ऊपर क्या हुआ, तो हम ऊपर गए तो देखा हमने, वहाँ देखा भाभी ख़त्म हो गई थी। कैसे घटना हुई है ये जी तो पता नहीं है। किस चीज़ से वार किया उन्होंने? चाकू से वार किया। कहाँ? पेट पे किसी ने? गर्दन पे। गर्दन पे। उसके बाद हल्के हल्के वो सीधे थाने चले गए। वो हम ऊपर गए देखने, हमने घर वालों को अपने चाचा वगैरह को जगाया, सभी लोगों परिवार को इकट्ठा किया। इससे पहले उन दोनों में कभी कोई बातचीत हुई थी? नहीं, ऐसा कोई अपने लोगों को नहीं लगा। हाँ, लेकिन कुछ दिनों से काफ़ी टेंशन में चल रही थी। आर्ट को लेकर टेंशन में? अब यही पता होता तो कहने के ना भाई साहब।